नमस्कार दोस्तों, आज हम जो बेसन के लड्डू बनाने वाले हैं वो ना तो मुंह को चिपकते हैं और ना ही फैलते हैं, बल्कि बहुत ही स्वादिष्ट ऐसे मुंह में घुल जाने वाले दानेदार लड्डू है जिसे मैंने खास ट्रिक्स के साथ बनाया है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने एक पैन में आधा कप घी ले लिया है, जिसे थोड़ा लो फ्लेम पर गर्म होने दें और फिर उसमें हम 2 कप बेसन डालेंगे। 1 कप बेसन यानी मैंने 240 ग्राम लिया है, ऐसे 2 कप बेसन डाल दूंगी मैं। आप दरदरा या फिर बारीक ऐसा बेसन ले सकते हैं, मैंने इसमें दरदरा बेसन लिया है। दरदरा बेसन के लड्डू बहुत ही अच्छे लगते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर ले, और इसमें अगर क्लॉट्स हो कुछ तो फिर अच्छे से फोड़ ले और अच्छे से मिक्स करें। इसे चलाते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूसली। और फिर बाद में और 1 टेबल स्पून मैं फिर से घी डाल दूंगी उसमें, और फिर से मिक्स कर ले। एक साथ घी ना डालें, हमें इसमें धीरे धीरे ही घी डालना है, क्योंकि एक साथ डालेंगे तो घी ज़्यादा हो जाएगा और हमारा बेसन पतला हो जाएगा और लड्डू बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हमें बेसन को लाइट ब्राउन होते तक भूनना है। हम फिर से 1 टेबल स्पून फिर से घी डाल देंगे, क्योंकि जिस तरह से हमें बेसन को भूनना है यानी गीला होते तक अच्छे से भूनना है बेसन को, तो उस तरह से बेसन हमारा हुआ नहीं है, इसलिए हम फिर से 1 टेबल स्पून घी फिर से डालेंगे। ऐसे मैंने 3 टेबल स्पून घी डाला है और 1/2 कप घी डाला, इतना घी डाला है। तो इसे चलाते रहना है लाइट ब्राउन होते तक, और फिर थोड़ा सा कलर आने के लिए 1 पिंच इतना टर्मरिक पाउडर में डाल रही हूँ। अच्छे से रोस्ट करना है हमें बेसन को लाइट ब्राउन होते तक। अच्छी धीमी सौंधी सौंधी ऐसी खुशबू आने लगती है, देखिए बहुत ही मस्त खुशबू आना स्टार्ट हो गया है। और इसमें एक ट्विस्ट में डाल रही हूँ कि इसमें हमें 1 टेबल स्पून पानी ऐसा छिड़कना है, तो उससे क्या होगा कि जो ग्रेन्स रहते हैं बेसन के, जो ग्रैनुल्स रहेंगे वो अच्छे से खुल जाएंगे और हमारे लड्डू जो है वो दानेदार बनेंगे। अब हमें इसे एक परात में या फिर एक थाली में ऐसे ट्रांसफ़र कर देना है और इसे ठंडा होने तक रखना है। इसे हमें रूम टेम्परेचर में ही ठंडा करना है, फ्रिज में नहीं डालना है। ये देखिए, इस तरह से फैला दे बेसन को और अच्छे से ठंडा कर ले। जब बेसन ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें 1/2 कप पाउडर शुगर डालेंगे, या फिर आपको अगर शुगर ज़्यादा लगती है, शक्कर मीठा ज़्यादा लगता है, तो आप ज़्यादा शक्कर भी डाल सकते हैं। मैं मीठा कम खाती हूँ इसलिए मैंने 1/2 कप ही शक्कर डाला है। इसे 1/2 कप शक्कर आप ले लीजिए और ब्लेंडिंग जार में इसे पीस लीजिए और फिर डाल दें, और थोड़ा सा 1/4 टीस्पून कार्डमम पाउडर डाल दीजिए, जिसे हम इलायची पाउडर भी कहते हैं, और इस मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर ले, हाथ से मिक्स कर ले। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। इस लड्डू के लिए मैंने जितने मेज़रमेंट बताए हैं वो परफेक्ट मेज़रमेंट है, आप उतना ही डालें, आपके लड्डू परफेक्ट बनेंगे। और बेसन के लड्डू बनाते वक्त सिर्फ बेसन को भूनना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, और इसमें मैंने जो पानी ऐड किया है 1 टेबल स्पून वो ज़रूर आप ऐड करें, जिससे कि आपके लड्डू बहुत ही अच्छे बनेंगे। और देखिए हमारे लड्डू कितने अच्छे बन रहे हैं, और इस तरह से लड्डू बना लें। ये लड्डू आप 8 से 10 दिन तक खा सकते हैं, ये न ही मुँह को चिपकते हैं और न ही फैलते हैं। तो बनाइए, खाइए, खिलाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।